हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो कल की जो साड़ी पहनी थी मैंने, वो आप सबको बहुत पसंद आई, उसके लिए तहे दिल से आप सभी को थैंक यू। आप सबको, वैसे भी मेरा साड़ी पहनना आप सबको बहुत पसंद है। तो आज जैसे टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं क्या आपसे बात करने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप मैं क्या कहना चाहती हूँ तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, अभी चल रही है नवरात्रि की, तो नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। और हमारे जो परेशानियां चल रही हैं हमारे देश में और विदेश सभी जगह, वो सब परेशानियां जल्दी से ख़त्म हो, यही हम माता रानी से कामना करते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं एक प्यारा सा भजन, साईं भजन आपको सुनाने वाली हूँ, क्योंकि आज है थर्सडे तो मैंने सोचा सुनाती हूँ। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, आज जो छुट्टी थी तो मैं आरिका सो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं जो भी बहुत सारा सामान घर में ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं लेके आ जाती हूँ। आरिका सो रही है तो बस वही मैं लेने जा रही हूँ, और यहाँ पे मैं स्कूटर से जा रही हूँ। मैं सामान जो ज़रूरत की, बहुत जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की, वो ले आऊँगी। बाकी क्योंकि अभी ऑर्डर में भी स्लॉट खाली नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो ये मैं यहाँ पे बहुत अच्छा मेगा मार्ट है बाबा रामदेव जी का, वहीं पे आई थी। तो ये सारा सामान मैंने जो छोटे मोटे जो भी ज़रूरत का था मैंने यहाँ से ले लिया है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ज़्यादा सूट तो नहीं कर सकती थी, मेन आटा भी नहीं था, ख़त्म हो गया था, और जो है बहुत सारी परेशानियाँ एक साथ आ गई हैं, और परेशानियों का जो दौर है वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। ये भी है नहीं घर पे, तो फिर सब मुझे ही हैंडल करना पड़ रहा है। अब तो मैं एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, क्योंकि ये भी इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनको भी लगता है डर, हम लोगों के बच्चे हैं घर में। तो यहाँ पे जितना भी ज़रूरत का सामान था तो वो सब मैंने ले लिया है, और अब मैं पहुँच तो अभी मैं लिफ्ट के पास आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा सामान था तो मैं दो बार में लेके आ रही हूँ, और कुछ सामान जो है मैं ले गई, और कुछ मैं डिग्गी में भी ज़्यादा हो गया था तो रख लिया था, तो वो मैं भूल गई। तो फिर मैं ऊपर गई, वापस से आई, तो अभी मैं जा रही हूँ। यहाँ पे मैं अंदर सामान कर रही हूँ और फिर मैं पहुँच जाऊँगी। अभी मैं सामान लेके घर पहुंच जाऊंगी। उसके बाद मुझे याद आया कि वो मैंने जो डिक्की में सामान रखा था वो तो लिया ही नहीं, तो वापस से मैं नीचे गई। देखिए, ब्रेड और आरिका की आइसक्रीम। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं नहा चुकी हूँ, तो मेरा काम भी हो चुका है, क्या है, और पूजा भी हो गया है, मेरा भी ब्रेकफास्ट बाकी है। और आरिका आज छुट्टी थी तो लेट उठी सो के, तो अभी वो ब्रश कर रही है। फिर वहाँ से सामान लेके आने के बाद फिर उन्हें मैं सीधे नहाने चली गई थी। उसके बाद मैंने पूजा किया, क्योंकि मुझे अभी नवरात्रि चल रही है तो पाठ भी करना होता है, नवरात्रि का मैं करती हूँ, दुर्गा चालीसा भी पढ़ती हूँ। तो थोड़ा सा आप सब भी देख पढ़ लीजिए। नमो नमो दुर्गे शुक्रणी, नमो नमो अम्बे दुख निरंकार है, जो तुम आयती हूँ महावि जल्दी आओ, वीडियो बन रहा है आपका, पहले ब्रश करना है। चलो, तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ब्रश हो रहा है, आरिका ब्रश करेगी। आप नहाओगी कि पहले ब्रेकफास्ट करोगी? ब्रेकफास्ट। तो ये आरिका का हो रहा है ब्रश। कल गुड मॉर्निंग नहीं करोगी क्या? तो गुड मॉर्निंग करूंगी। तो ब्रश कर रही है तो गुड मॉर्निंग कैसे करेगी आरिका? मुंह धो के करेगी ना। तो चलो जल्दी से मुंह धो लो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, देख के गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। कोई ऐसे सोफे पे लेट के गुड मॉर्निंग करता है कि उठ बैठ के करता है? ठीक है, ब्रेकफास्ट करना है। क्या खाओगी आप? क्या खाओगी नहीं बताओगी? क्या खाओगी आप?
जल्दी बताओ फिर। नहीं ब्रेड नहीं मिलेगा, बनाना। रिका ने गुड़िया को, टैडी को, सबको सुला दिया है। गुड नाइट बोलो चलो सबको। गुड नाइट। गुड नाइट। और आज मैं एक आपके लिए साईं भजन लेके आई हूँ, बहुत लोगों को पसंद आएगा, बहुत प्यारा सा भजन है और इसके जो बोल हैं वो भी बहुत प्यारे हैं। तो आप सभी को मैं सुनाती हूँ एक साईं भजन, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये भजन आपको कैसा लगा। साईं नाम है सच्चा नाम, साईं नाम है सुंदर नाम, साईं नाम है सच्चा नाम, साईं नाम है सुंदर नाम, जीवन के हर कष्ट मिटा दे साईं नाम पुकारो, जीवन के हर कष्ट मिटा दे साईं नाम पुकारो, साईं नाम है सच्चा नाम, साईं नाम है सुंदर नाम, साईं नाम है सच्चा नाम, साईं नाम है सुंदर नाम, रोग शोक से मुक्ति दिला दे साईं नाम पुकारो, रोग शोक से मुक्ति दिला दे साईं नाम पुकारो, साईं नाम है सच्चा नाम, साईं नाम है सुंदर नाम, साईं नाम है सच्चा नाम, साईं नाम है सुंदर नाम, व्यर्थ की बात में समय न खो साईं नाम पुकारो, व्यर्थ की बात में समय न खो साईं नाम पुकारो, साईं नाम है सच्चा नाम, साईं नाम है सुंदर नाम, साईं नाम है सच्चा नाम, साईं नाम है सुंदर नाम। बोलो साईं जी। तो फ्रेंड्स आपने टाइटल मेरा देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए लाइफ में कितनी सारी परेशानियाँ आ गई हैं, इसकी वजह से नाम तो मैं नहीं ले सकती और वीडियो में, क्योंकि देखिए ये स्थिति सभी के घर में हो गई है, सभी को परेशानियाँ हो गई हैं। एक पेज से पहले क्या था कि हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद से अभी जो है ये इतना ज़्यादा मतलब बढ़ गया है कि मतलब फैमिली जो फैमिली से दूर होना पड़ रहा है, और घर में मतलब कि अभी क्या है मंथ का एंड था तो सामान भी सब ख़त्म हो रहा था, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा स्टोर तो नहीं करते हैं, तो जो है अभी देख सकते हैं आप लोग। तो अभी हम लोग को सामान भी लेके आना था, लेकिन इनको भी अभी शटडाउन है तो इनको भी ऑफिस में इतना ज़्यादा काम है, और अभी जो है ये तो मतलब ऑफिस में ही गेस्ट हाउस में है, क्योंकि अभी घर आना सेफ नहीं है हम लोगों के लिए, तो एक वीक हो गया है लगभग, तो जो है अभी नहीं आ रहे हैं, तो फिर मुझे ही सारा काम देखना है, हैंडल करना है, इतनी परेशानी हो रही है, बच्चे, फिर ऑनलाइन क्लासेस, फिर इतना सारा काम, फिर अभी क्या है कि हेल्पर को भी हटा दिया है, तो बहुत सारी परेशानियां एक साथ आ गई हैं, और उससे निकलने के लिए देखिए कैसे होता है, क्या कर सकते हैं। और इन परेशानियों के बीच में हमें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, हमें बाहर नहीं जाना है, और लेकिन क्या करें जब बहुत ज़रूरत होती है तो जाना ही पड़ता है। तो मैं बाहर गई थी सुबह, लेकिन मैं आरिका को लेकर नहीं गई थी, आरिका सो रही थी, तो मैंने सोचा कि उससे पहले, क्योंकि अब मैं जाती हूँ तो आरिका मानती ही नहीं है, मम्मा मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है करती है, तो फिर उसको लेके तो मैं जा नहीं सकती,
इसीलिए मैं आज खुद अकेले ही गई थी, जो ज़रूरत था वो मैं लेके आ गई थी। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जो भी ये परेशानी है ख़त्म हो और सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहें। आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, मिलती हूँ अपने एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।